कहाँ जा रहे हैं, ढाई ढाई लाख रुपए मिल रहे लोगों को। कस्बे के अंदर इतना विकास होगा, ये लोग विकास नहीं हो सड़क इतना, रोड पे इतना विकास हो रहा है, कभी नहीं है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होगी। कौन कह रहे हैं आप, बताओ, लगाओ से माइक में बुलाओ से। ये ढाई ढाई लाख रुपए जा रहे हैं किसके खाते में जा रहे हैं, ये एक एक मतलब जुट होगा ना सर, यार हिंदू मुस्लिम में जा रहे हैं, बताओ हिंदू मुस्लिम के अंदर जा रहे पैसे किसी के जा रहे, सरकार को अपने दे रही ढाई लाख रुपए। सबसे पहले फार्म भरे टाउन के अंदर फार्म भरे, मेरी गाड़ी थाली है, मोटरसाइकिल थाली मेरी, तो मोटरसाइकिल थाली मरते हुए मोहल्ले की भी किन्ने थाई, सरकार गाड़ी नहीं देनी, अपनी चीज की अपना इजाजत रखो, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार देखना नहीं। आज कह रहे हैं अब की बार बाबा गए, अजी कहाँ गए बाबा, दोबारा आवेंगे, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, अखिलेश कह रहे भाई साहब, अखिलेश से कहने से क्या होगा, एक दूसरे कहने से बाबा को पता, अखिलेश भगवा छाएगा, भगवा से काम चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, चल रहा है 10 साल हो गए चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठा है, अभी तो चल रहा, चलता रहा 10 साल, और अगर कोई व्यक्ति खाने के बाद भी, अगर मैं आप भूखे हो और मैं आपको खाने के लिए दे रहा हूँ, अगर खाने के बाद भी वो ये कह रहा है कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा, तो उससे बड़ा देशद्रोही इस दुनिया में कोई नहीं है, समझ गए, जो कह रहे योगी जी नहीं आएंगे वो देशद्रोही है। अगर योगी जी ने उनको खाने के लिए दिया है उस परिस्थिति में जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो वास्तव में देशद्रोही है, मैं कह रहा हूँ। क्यों मिला नहीं, सत्तर साल से सारे भूखे थे, सन 2014 के बाद रोटी मिली खाने को, ये सड़कें कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क नहीं थी, सन 2014 के पास बाद जो हमने पक्की सड़क देखी यहाँ हिंदुस्तान में, आज तक अगर हमने पक्की सड़क कहीं देखी हो, ये रोड खड़ा है यहाँ चौराहे संजय चौक, यो जो तारकोल की सड़क बनी है पहली दफे देखी हमने 2014 में बनती हुई। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्वशी शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान नाइन, सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं, योगी जी का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है, तो लोगों की राय जाननी भी ज़रूरी है, लोग क्या सोचते हैं, योगी जी की जो सरकार रही वो सरकार कैसी रही, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, दोबारा से योगी जी को देखना चाहते हैं, या फिर अब की बार योग यहाँ पर गठबंधन है, गठबंधन की लोग सरकार देखना चाहते हैं, वही सब जानने के लिए अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग विधानसभाओं में लोगों से बात करते हैं, लोगों की जो राय होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान नाइन के थ्रू, और हिंदुस्तान नाइन आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, अगर हम आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर खड़े कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है, उत्तर प्रदेश में जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं उनमें माहौल क्या है, चुनाव लगभग नज़दीक आ चुके हैं, क्या नाम है जी, नागर, क्या लग रहा माहौल क्या उत्तर प्रदेश में, बढ़िया है, सरकार कैसी रही होगी जी की, बढ़िया कैसे रही भाई, सारे काम ठीक है इसमें, सारे काम ठीक है और क्या, अखिलेश की कैसी थी सरकार भाई, अपने टाइम में तो सारे ठीक करें, अपने टाइम में सारे ठीक करें और क्या, आपका क्या नाम है जी, मोहम्मद गुलशेर मंसूरी, क्या लगता है योगी जी की जो सरकार रही वो कैसी रही सरकार, इस सरकार में सिवाय तेजी के और कुछ नहीं मिला, गरीबों का पेट कटने के अलावा, रोजगार छीनने के अलावा कुछ नहीं मिला, महंगाई हो गई, महंगाई है, तो क्या चाहते हैं 2022 में किसकी, हम ये चाहते हैं कि बदलाव हो कोई भी सरकार आवे, उससे हमें कोई लेना देना, एक तरफ गठबंधन है एक तरफ योगी जी है, तो चाहते गठबंधन ही आवे, तो गठबंधन क्या करेगा, गठबंधन ये करेगा कि अच्छा है कि आगे अंकुश लगावे तेजी पे, और क्या करेगा, तेजी पे अंकुश लग जाएगा, लगेगा गठबंधन आएगा तो, कहते हैं वो मोदी जी कहते हैं लाल टोपी वाले तो खतरे की निशानी है, कोई बात नहीं, मोदी जी कौन से कोई खतरे से बाहर हैं, उन्होंने कौन से कोई देश को बचा लिया, अच्छा सिवाय लूटने के, बताओ पब्लिक के क्या हो रहा, तेल है 110 रुपए लीटर, अच्छा कैमे बख्शीश हो रही, बताओ मुझे, अच्छा मोदी जी ने कौन सा देश को बचा लिया, हाँ जी लूटी रहे सभी, लूट रहे, कौन लूट रहे हैं देश को, बिल्कुल लूट रहे हैं, सही में लूट रहे मोदी जी, नहीं मोदी जी देश को बिल्कुल नहीं लूट रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मोदी जी तो देश का बचाव कर रहा है, बचाओ कैसे कर रहे हैं, हर चीज से बचाओ कर रहे हैं, कैसे, इस बार योगी सरकार क्यों, योगी सरकार आएगी दोबारा, इतना महंगा हो गया सब कुछ, कुछ नहीं महंगा हुआ, सब एक जैसा है,
महंगाई तो हो गई लेकिन गुंडागर्दी तो नहीं आई इतनी। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई और सरकार में गुंडागर्दी पूरी मस्ती थी। गुंडागर्दी तो नहीं आवत इतनी, गुंडागर्दी कम है। अच्छा इनका वीडियो बना दीजिए कोई है, बना दीजिए भाई साहब। बन गया, खुल गया। क्या नाम है जी? क्या नाम है जी? जी मुकेश कुमार। मुकेश जी क्या लग रहा, माहौल क्या उत्तर प्रदेश? अरे माहौल तो भाजपा का है लेकिन भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ। मकान जो अधूरे जिनके बने हुए उनके बन रहे हैं, जिनके नहीं बने वहां तक पहुंचे भी नहीं। अच्छा तो हम कैसे सहमत हो जाएं? तो भाजपा का कैसे जब नहीं, वैसे पार्टी बढ़िया, सुरक्षा की दृष्टि से बढ़िया, लेकिन करें क्या? जो मतलब जो अनदेखी होती है, अनदेखी पात्र हैं उन्हें मिल नहीं रहा, जो अपात्र हैं उनको मिल रहा है, पात्र को नहीं मिल रहा। चलिए भाई साहब, युवा है आप तो, हाँ क्या लग रहा माहौल? क्या है माहौल? तो ठीक है आज, बढ़िया माहौल चल रहा है। सरकार कैसी रही होगी जी? की बहुत बढ़िया रही जी, दोबारा तभी उसके आने चाहिए। कह रहे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा जी? नहीं ऐसी बात तो कुछ नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इस बात तो सब लोग सहमत है, और एक बार फिर योगी सरकार दोबारा आवेगी, यह सबका मानना है। हिंदुओं का, हिंदुओं का बिल्कुल बिल्कुल सबका, सर्व जाति का, हिंदू मुस्लिम सब मान्य है। तो जयंत कह रहे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं रोजगार मिल रहा, सबको मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है, सबको मिल रहा। कह रहे अब की बार तो बाबा गए? नहीं बाबा ही बाबा दोबारा आएंगे। गलत फहमी आया योगी बाबा आएंगे दोबारा आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, 100% आएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे। अच्छा पहले की जो सरकार थी अखिलेश की, वो कैसी सरकार? तो बिल्कुल खराब, गुंडागर्दी बहुत फैल गई थी उस सरकार में, गुंडागर्दी बिल्कुल। इस सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब गुंडागर्दी नहीं, बिल्कुल नहीं है, अब खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। चलिए इधर और भी लोग हैं, भीड़ लगी है। क्या नाम है जी? मेहंदी। क्या लग रहा मेहंदी जी, क्या माहौल है? माहौल तो सरकार जो है बदलेगी, सरकार तो बदलेगी भाई, बदलेगी। हाँ अच्छा क्यों बदलनी चाहिए सरकार भाई? एक भय जो माहौल है ना, जो आपस में जो एक दूसरे के तालमेल हुआ करते थे लोगों में, आज की तारीख में एक दूसरे का विश्वास नहीं कर पा रहा आदमी, विश्वास नहीं। हाँ जैसे तो अक्सर सरकार की कमी है, सरकार की कमी है, क्योंकि तो क्या लग रहा है किसकी सरकार? अच्छा क्या लगता है किसकी सरकार आए तो विश्वास हो पाए? भाई सरकार के बारे में तो कोई यकीन के साथ किसके बारे में कह सकता है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं अखिलेश के ज़्यादा नज़र आ रहा है, और इसके बारे में यह है कि कांग्रेस का भी इसमें ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि मेंटली तौर पर, जहनी तौर पर आदमी ये समझ रहा है कि भाजपा जैसी पार्टी को ऑल इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर का कोई कवर कर सकता है, इनको हरा सकता है, तो वो कांग्रेस हरा सकती है। यूपी का तो सुपड़ा साफ हो गया, राहुल गांधी अमेठी हार गए भैया। नहीं वो तो अलग चीज गई थी भाई, एक तूफान देखो जब तूफान आता है ना, ये बाढ़ आती है, मानते हैं तूफान था मोदी। हाँ वो एक तूफान था जो सब। क्या नाम है जी? अथर हुसैन। क्या लग रहा माहौल क्या है? माहौल चेंज होगा जी, चेंज बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है। तो अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप है जी। क्या लग रहा है संदीप की, क्या माहौल है? देखो माहौल तो पिछले 5 साल में हम लोगों को सबको पता है माहौल चेंज। नमस्कार सर, बताओ सर नाम। पिछले 5 साल में जो माहौल चेंज हुआ है वो सबको पता है जी, ठीक है। मतलब जो दहशतगर्दी का माहौल था वो हम लोगों के बीच में से जा चुका है, आदमी कहीं ना कहीं बरगलाया हुआ है, कहीं ना कहीं नेताओं से, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से, लेकिन जो आज का माहौल है वो बीजेपी की तरफ रुझान है, और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार आने वाली है। एक मिनट यहीं रहिएगा जी सर। क्या नाम है जी? मोहम्मद वजीर खान। क्या लग रहा है माहौल, ये कह रहे बीजेपी का माहौल है, कहीं से कहीं तक भी नहीं आने की, बेटा घूम कर रखा, तख्ता पलट रखा है, तो क्या कर रखा है? तख्ता पलट कर रखा जी, बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी नहीं आती है। तो मैं से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तख्ता पलट किस वजह से कर रखा है आप? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, सिलेंडर ले रहे भैया और सब्सिडी गुम हो गई है, और क्या चाह रहे भाई? मजदूरी बताओ कहाँ है मजदूरी? मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, देखो मेरी बात सुनो। हम पिछले 1.5 साल से आपको पता है कोरोना काल में, ठीक है जी, कोरोना काल में हम लोग कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी से जूझे हैं, ठीक है, और कहीं पूरा पूरा देश जूझा है ना, सारी देश जूझे, कोई अकेले देश में तो कोरोना आया नहीं था, यहाँ इंडिया में नहीं आया कोरोना, बिल्कुल आया नहीं। हाँ लेकिन हमें अपनी अर्थव्यवस्था, सुनो भाई जी, हम अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था
हमारी आर्थिक व्यवस्था कहाँ से चलती है, हम आम जनता से चलती है ना जी। जब तेल है ना, जब तेल जो है 20 रुपए बैरल था, इन्होंने जो है 100-120 तक ले गई है। चंदा दिया ना, इतना चंदा उसका, आपको राशन नहीं मिल रहा फ्री में रोज जो है? पहले से नहीं मिल रहा, ना 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 पहले नहीं मिल रहा, पहले नहीं मिल रहा, दो बार भाई जी, दो बार मिल रहा भाई जी, दो बार मिल रहा है। बिल्कुल, क्या मतलब है? चुनावी हथकंडा नहीं है भाई जी, पिछले दो साल से भाई, पिछले दो साल से ना भैया, ये भाई साहब लगातार दो बार मिल रहा है। ये तो मोहताजों को मिले, मोहताज को, ये मोहताज का है क्यों दे रहा है? खुद कमाना नहीं जानते लोग, जिसका राशन कार्ड बन रहा, जिसका राशन कार्ड बन रहा है उसको मिल रहा है, रोजगार नहीं है जब भी तो मिल रहा है। ये बहस करने का विषय नहीं है, कोई बहस करने का नहीं है, जो सच्चाई डेढ़ दो साल से किसी के पास रोजगार नहीं है, देना चाहिए। डेढ़ दो साल से किसी के पास रोजगार नहीं है, मैं भी बेरोजगार। क्यों दे रही हो? इसीलिए दे रही है, जब रोजगार नहीं दिया, जब रोजगार नहीं दिया किसी को, बेरोजगारी है। सरकार हमेशा पैसा लेती थी, पैसा लेती थी। ये काम तो लंगड़े लुंजो का है, जो फ्री का रोजगार मेरी बात सुनो, अगर आपको फ्री में राशन मिल रहा है पिछले दो साल से, क्यों मिल रहा है, क्यों दे रही सरकार, क्या वजह है देने को? सब बताना, रोजगार नहीं है, पूरी पता, कोरोना काल चल रहा, कोरोना काल तो इसी में हिंदुस्तान में थोड़े आया, तो सब जगह आया, पूरी सब जगह मिल रहा है, हर तरह की, हर जगह सरकार सोच रही है, सही चल रहा है, हर जगह मिलता है रोजगार, मिलेगा जब भी, तो जब रोजगार मिल रहा है, राशन की जरूरत। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अखिलेश की सरकार में क्या रोजगार था आपके पास? किसी की भी सरकार में जो रोजगार था, इसकी इस सरकार में बहुत रोजगार था, बेरोजगार हो गया। हाँ, बेरोजगार है, बेरोजगार है, इससे बड़ी बेरोजगारी क्या होगी? आप कि क्या नाम जो है, आप दिन में 500 रुपए कमा रहे हैं, आपका होटल चल रहा है, मुझे बता दो कहाँ रहेगी कमाई, कौन क्या कमाई, आपका होटल चल रहा, होटल चल रहा, तो धड़ ले चल रहा, इतनी महंगाई बढ़ गई कि शाम को है ना गल्ला खाली मिले, आपने भी तो ऐसे ही रेट बढ़ा रखे, आपने भी तो ऐसे ही रेट बढ़ा, बताओ अगर आपका ही जो भी कुछ है, क्या नहीं बढ़ा, सब रेट बढ़ाए नहीं बढ़ाए, आपने रेट बढ़ाए नहीं बढ़ाए, महंगाई तो हर चीज से बढ़ रही, आपका होटल चल रहा है ना, 200 रुपए लीटर तेल है, कहाँ भैया, 95 रुपए, 95 में सरसों तेल की बात कर रहा, पेट्रोल की तो पूछो ही ना, चलो ठीक है, 20 रुपए बेरल था जब 120। भाई जी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा, बढ़िया फोन ले रहे भाई जी 24 घंटे यूज कर रहे, पहले नेट कौन देता था इतने घंटे घंटे चलाते, पूरा दिन नेट पे हम 100 खर्च कर दो, 200 खर्च कर दो, वो महंगाई नहीं है, महंगाई अपने आप से होती है, अपने खर्चे उसी हिसाब से यूज करो, सरकार कोई सी भी हो, अपने हिसाब से खर्चे यूज करो, अपने कमाई के पहले पहले कहाँ इतने खर्चे होते थे, कहाँ इतने फोन होते थे, 1 रुपया डाल दिया, बात कर ली, हेलो रख दिया, अब फोन पे पूरा पूरा दिन लग रहे हैं, वो भी तो खर्चे होते हैं, फोन पूरा पूरा दिन चल रहे हैं, वो खर्चे नहीं, वो भी बेफजूल खर्चे भी तो आदमी के, वो खर्चा बचा के कहीं और भी तो काम आ सकता है, सर जी सरकार थोड़े ना देगी। क्या लगता है योगी जी की जो सरकार रही, मजा आ रहा है, बढ़िया चल रही है, कैसी रही? बहुत बढ़िया सरकार है जी, बढ़िया, देखो गुंडागर्दी खत्म होगी, सबसे बड़ी बात गुंडागर्दी खत्म होगी, हर चीज में तो सरकार नहीं दे रही, देखो राशन भी दे रही है, लॉकडाउन में खर्चे चला रही है घर के, इतने खर्चे थोड़े हो जी, मिल गया और क्या चीज है, ये लोग सुनिए मेरी बात, ये लोग कह रहे हैं अखिलेश की सरकार ज्यादा बढ़िया रही, देखो सरकार तो कोई भी है, आप ये बिना करे कोई नहीं मिले, किसी को नहीं मिले, ये 2.5 लाख रुपए हैं, ये किसने सरकार ने दिए, बस तो ये मोदी सरकार ने तो दिए। नाम क्या है आपका? अब है कौशिक है सर नाम मेरा, कौशिक साहब आपको लग रहा है योगी जी की सरकार? हाँ जी सर बिल्कुल आएगी सर, उन्हीं की सरकार बनेगी सर, 100 बनेगी जी, 100 के 100 जिम्मेदारी, जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार, सरकार के 12 बजे निकल लिए कोई टोक दे, आपने टोक मैं बटेड़ी गाँव से चल गया हूँ रात को, और मेरी अम्बाड़ा जाऊँगा, सुन अखिलेश की सरकार में तेरे बैंक पता मोटरसाइकिल उठी है, उठी है भाई, उठी है, साइकिल तक उठी, अब उठवा छिड़वा के दिखा के जी को, रात 12 बजे भी दिखा के, हर हफ्ते नौरते के अंदर से हर हफ्ते मोटरसाइकिल उठती थी, भाजपा सरकार में कोई साइकिल खड़ी करके चला जाए वो वहीं खड़ी रहेगी, मैं बस खुले दिल से चलाऊं, अम्बाड़ा जाऊंगा बटेड़ी गांव से चलाऊं, दिल खुल खुश होकर जा रहा हूं, टेंशन नहीं है मुझे भाई जी, जो उनसे बदमाश थे ना केले बेच रहे, बदमाश केले बेच रहे, बेच रहे, क्या बात कर रहे हो, अखिलेश की सरकार में बदमाशी करते थे वो बेच रहे, केले बेच रहे, ठीक है जी, ढक्कन बंद कर दिया मोदी ने, कौशिक साहब आ गया, हां जी सर,
कहते युवाओं को रोजगार नहीं, जयंत चौधरी कह रहे, अखिलेश यादव कह रहे, आप भी युवा हैं तो कहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं, योगी सरकार सफल नहीं रही रोजगार देने में। जी रोजगार कहाँ से मिलेगा आप ये बताओ, लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, अब अगर वे भर्ती वगैरह निकल लेंगे, कोई भी पोस्ट वगैरह निकल लेंगे तो उन्हें भी तो सोचना पड़ेगा ना, अब एक हाथ में तो लेकर लड्डू काम नहीं चलता, दूसरे हाथ का भी देखना पड़े है, अब वो दोनों सबको बांट के चल रहा, सबको मिला के चल रहा, तो थोड़ा कम बत्ती भी चल जाए, थोड़ी जगह महंगाई भी झेलनी पड़ेगी, हर जगह करना पड़ेगा जी। अच्छा पहले की जो सरकार थी अखिलेश की, वो कैसी सरकार रही थी सर? लूट मची, लूट मची, गुंडागर्दी हुई, एक तरफा बिल्कुल, एक तरफा जो थे ज्यादातर मोमडन की साइड ले थे, हिंदुओं का कुछ नहीं हुआ, देखो सही बताऊं तो मोमडनों की साइड ज्यादा ली गई, हिंदुओं का ज्यादा वो करा गया उसमें, ये हिंदुओं को दबाया गया। हाँ जी सर, अखिलेश की सर। हाँ जी सर, अभी इसमें कैसे लगता है आपको, कैसे दबाया था सर? मतलब अगर घर वगैरह के भी बनते थे तो ज्यादातर मोमडन लोग फायदा उठाते थे उसका, हिंदुओं तक कम वोट वो पहुंचती थी उसकी फायदा। अच्छा। तो अब ये है सब में बराबर है, सबसे ज्यादा मोमडनों के घर बनाए गए अब जो इसमें मोदी सरकार में। अच्छा। अब ये देखो आप, वो सही कर रहे हैं, बांटने का काम नहीं सर, बांटने का काम नहीं कर रहे, सबको मिला के चल रहे, ढाई ढाई लाख रुपए दिए गए सबको। अच्छा, वह किसने दिए? ये मोदी निजी ने तो दिए, यही दिए, कईयों के घर बन रहे बड़े भाई, सबके घर बने बड़े भाई, लोगों के कहने से सरकार चेंज नहीं होने वाली, नब्बे लोग बीजेपी के साथ है, बीजेपी रहेंगे, सौ के सौ है, बिल्कुल 100% बीजेपी के साथ है, नहीं है, नहीं समाजवादी है, जिसकी समझ में नहीं आए वो कहीं भी जाए, जिसकी समझ आ रहा सर वो तो सबकी अपनी अपनी समझ है, कोई किसे वोट देना चाहता है। क्या नाम क्या है? दीपक शर्मा। क्या लग रहा है माहौल क्या है? माहौल कैसा माहौल जानना चाह रहे हैं? चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल सरकार रहेगी योगी जी की? हाँ जी, योगी ये सब महंगा नहीं हो गया जो सब्जी वब्जी खरीद? नहीं भाई, बहुत मंदा होगा, 40 रुपए का एक किलो है अदरक। यो जी बताओ काम महंगा होगा? मोदी रुटकी के अंदर 30 रुपए किलो अदरक। अच्छा और सस्ता हो गया? हाँ जी। अच्छा वो अभी मोहम्मद साहब खड़े थे यहाँ पर, वो कह रहे महंगा हो गया सब कुछ, महंगा भाई महंगा। तो देखो एक बात बताओ, जब से देश आजाद हुआ जो चीज 1 रुपए की थी वो बढ़ती 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 गई, कोई आप किसी भी पार्टी का मेंबर आ गया ये बता दो कि फला चीज सस्ती होगी, कोई चीज आज तक कोई सस्ती हुई हो जी? ये तो व्यापार है, बाजार है, ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जिस चीज की हमें जरूरत होगी उसका ही आप लोग उसका उत्पादन करोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है। जब लोगों के पास में जब देश था, जब देश आजाद हुआ था तब कितनी सुख सुविधा थी, कितनी सुख सुविधा थी लोगों के पास में भाई जी, तेल क्या रेट था? सुनो एक मिनट, तेल जब 10 रुपए लीटर था, आप ये बता दो कितने साधन दिखे थे सड़क पे, आज कितने साधन दिख रहे? लोगों ने तेल तो लोगों ने बढ़ाया, पेट्रोल बढ़ाया तो साधन बढ़ गए, 100% देखिए हर चीज ऐसी है जी। सुनिए 1000 रुपए की जो मोटरसाइकिल जाएगी 90 की होगी। शर्मा जी ये बताइए, कहते हैं कि देखिए जो अखिलेश की सरकार थी उसमें गुंडागर्दी का क्या हिसाब था, अब योगी जी की सरकार है उसमें क्या हिसाब है? भाई गुंडागर्दी का हिसाब तो बहुत चरम पर था, लेकिन फिलहाल तो गुंडे ही नहीं रहे, गुंडागर्दी कहां तक होगी भाई जी? अगर हम आपके सामने बोल पा रहे हैं ना, ये केवल योगी सरकार की देन है, अदरवाइज आप किसी और सरकार में ये हक नहीं रख सकते थे, बोलने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार ही नहीं था भाई जी, क्या बात कर रहे हो आप? अगर आपने आज सरकार के खिलाफ बोल दिया ना, कल आपके पास केस होता था, केस आज नहीं है, केवल ये योगी सरकार की देन है, अदरवाइज कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार ने, योगी सरकार, हर 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 महादेव, भाई देखो बीजेपी सरकार ने 5 लाख का तो आयुष्मान कार्ड बना दिया, एक गरीब आदमी जो इलाज करवाने में सक्षम नहीं था उसके लिए भी आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, जिसके घर में गैस का चूल्हा नहीं था गैस का चूल्हा दे दिया, जिसके घर में जिस पर 40 साल तक अपना मकान नहीं बना था उसके मकान के पैसे दे दिए। भाई अब तो ये रह रहा कि लोगों को खोज खोज अपने घर में घेर लो भाई, और क्या रह रहा? जो गरीब आदमी की जरूरत का सामान है, गरीब आदमी की जो जरूरतें हैं उसे सरकार पूरे दमखम लगा के पूरा करने की कोशिश कर रही, खुश कोई नहीं होता। अगर मैं घर का चौधरी हूँ तो मेरे तभी मेरे 14 घर के मेंबर हैं, मेरे से 14 के 14 खुश नहीं होने के, ठीक है। भगवान दे ऊपर वाले तभी लोग खुश नहीं है,
किसी को बारिश की जरूरत है कोर देने की होगी, वो तो कह रहा भाई बारिश हो जा, जिनने दे दी कहेगा तेरी बाण का तो मार गया भाई जो बारिश भाई तो भैया खुश कोई किसी से नहीं है। शर्मा जी की बात का समर्थन करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति खाने के बाद भी अगर मैं आप भूखे हो और मैं आपको खाने के लिए दे रहा हूँ, अगर खाने के बाद भी वो ये कह रहा है कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा, तो उससे बड़ा देशद्रोही इस दुनिया में कोई नहीं है। समझ गए, जो कह रहे योगी जी नहीं आएंगे वो देशद्रोही है। अगर योगी जी ने उनको खाने के लिए दिया है उस परिस्थिति में जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो वास्तव में देशद्रोही है, मैं कह रहा हूँ। क्यों मिला नहीं, सत्तर साल से सारे भूखे थे, सन 2014 के बाद रोटी मिली खाने को, ये सड़कें कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क नहीं थी सन 2014 के पास बाद जो हमने पक्की सड़क देखी यहाँ हिंदुस्तान में, आज तक अगर हमने पक्की सड़क कहीं देखी हो, ये रोड खड़ा है यहाँ चौराहे उत्तर संजय चौक, यो जो तारकोल की सड़क बनी है पहली दफे देखी हमने 2014 में बनती हुई, उसके पहले गाड़े में चला करते सब, पहले गाड़े में चल रहे थे सब, अब पक्के सड़कें हैं चारों तरफ। क्या नाम क्या है, नाम क्या है आपको? फरमान। फरमान क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? अजी योगी की बनेगी। वजह क्या? वजह है जो इन्होंने कुछ काम करा, अगर कोई काम अच्छा करा तो उसे गिनवावे, जब इन्होंने अच्छा करा तो अच्छे काम को रेल में अच्छे काम को गावे, हिंदू मुसलमान का क्या मैटर है, मान लिया अच्छा काम करा तो अच्छा काम टीवी पे रेल में बताना चाहिए, वो आने की हिंदू है या मुसलमान है, मुद्दे की बात है। अगर अच्छा काम कोई करा तो अच्छा काम दिखाओ बताओ सबको, किस बात के ऊपर कह रहा, हम देशद्रोह की बात नहीं करे, हम हम तो सरकार की बात है बड़े भाई, ये बात ऐसी है जैसे ये भाई कह रहे हैं देशद्रोही है जिसने मतलब ये राशन दिया। एक बात सुनो, जब राशन कार्ड, रुको एक मिनट, जब राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन तो हमें पहले ही मिल रहा था पिछली सरकार, एक मिनट सुन लो पहले 400 कुछ रुपए का सिलेंडर आया था भाई साहब, जिस दिन अपने दम पे जियोगे नहीं बच्चे पालने जब मुश्किल होते हैं, एक मिनट भाई दूसरी बात, जिसके चार बच्चे होने के बाद में आज सिलेंडर कितने का 1000 रुपए का, जब 1000 रुपए का सिलेंडर खत्म हो जाता है भाई साहब अच्छी अच्छी हवा निकल जाती है, जब घरवाली कहती है उन्हें सिलेंडर खत्म हो गया, घी के रेट देख लो आप, हर चीज महंगाई है, पेट्रोल देख लो आप, जो गाड़ी 52,000 रुपए की आ रही थी आज 90,000 रुपए की गाड़ी है, फिर भी है? लेकिन अब बात सुनो, फिर उसके बाद में हर चीज भेज दी वेटिंग में है, हर चीज भेज दी, कोई उधार लेगा अगर आप दीपक भाई आप लेने जाओ आपको वेटिंग मिलेगी। बड़े भाई ये बात है, देखो मेरे पास कुमारा आदमी पहले भी था लेकिन आपकी सरकार में जो महंगाई है, यहाँ पर मोदी ये बात घर घर मोदी हिंदुओं की बात है, हिंदू क्या बात है, हिंदुओं की बात है, हर हर मोदी घर घर मोदी, ये तो बाकी के नहीं है सबके है, अगर जो कोई क्यों कर रहे हो, अभी भाईचारा है, देखो अभी भाईचारा है, बीजेपी से राजनीति नहीं करते, बीजेपी से राजनीति नहीं करते, एक हिंदू के बल पर राजनीति कर रहा हम तो नहीं कर रहे, तो यही वजह देखते तेरा लफ्ज यही है, सबका साथ, तेरा लफ्ज यही है, नहीं तो हम लोग अखिलेश की सरकार है, अखिलेश की रखो, मोदी क्या है मोदी की रखो, बीजेपी सरकार का एक है, हमें ना डर अखिलेश से लगता ना मोदी से लगता, हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी रहेंगे, तेरे कहे से लिख ले ना मोदी के कहे से लिख ले, योगी के कहे से लिख ले, खाने को मोदी जी ने बात करा, सबका विकास करा, सबका साथ करा, हिंदू की तो बात ही नहीं है यहाँ, हिंदुस्तान तो सबका है, मिले लोगों को कस्बे के अंदर इतना विकास होगा, इतना विकास नहीं हो सड़क में, रोड पे इतना विकास हो रहा है, कह नहीं है गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होगी, कौन कह रहे आप बताओ, लगाओ से माइक में बुलाओ से, ये 2.5 लाख रुपए जा रहे हैं किसी खाते में जा रहे हैं, ये एक मतलब झूठ होगा ना सर, यार हिंदू मुस्लिम में जा रहे हैं, बताओ हिंदू मुस्लिम के अंदर जा रहे हैं, किसी के जा रहे हैं सरकार को अपने दे रही है 2.5 लाख रुपए, सबसे पहले फार्म भरे टाउन के अंदर फार्म भरे, मेरी गाड़ी थाली है, मोटरसाइकिल थाली मेरी, तो मोटरसाइकिल थाली मतलब मोहल्ले की भी किन्ने थाई सरकार गाड़ी नहीं देनी, अपनी चीज की अपना रखो, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार देखना नहीं, कह रहे अब की बार बाबा गए
अजी कहाँ गए बाबा, दोबारा आवेंगे? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अखिलेश कह रहे भाई साहब, अखिलेश से कहने से क्या हो रहा? एक दूसरे कहने से नहीं, बाबू को पता अखिलेश के लाए तो थोड़ा लग रही सरकार, अखिलेश के लाए तो आओगे भगवा से काम बिल्कुल चलेगा, चल रहा है 10 साल हो गए चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठा अभी तो चल रहा, चलता रहा, चलता रहा 10 साल और आगे फिर आओगी। अगर चलिए अगर धोती वाले अब तक के लिए इतना ही, मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हिंदुस्तान 9, जय हिंद।